Hello everyone, I'm Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का अपना लेक्चर स्पेशल फंक्शंस. इस लेक्चर में हम लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे और उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसे ही लीजेंड्रे का डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, इसको हम इस दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं. यहाँ पर देखिए ये जो 1 - x² dy/dx है, ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है. ठीक है, तो ये जो होता है वो यही होता है. ठीक है, इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा. यहाँ पर देखिए इसको मैं x के रिस्पेक्ट में यदि डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन. ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन dy/dx, ये सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, -2x होगा, तो यहाँ पर -2x दिया है, ये सेम ही है. ठीक है, तो लीजेंड्रे का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. अब देखिए हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है, सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पर y का वैल्यू मुझे निकालना है. ठीक है, तो y का वैल्यू मैं इस लेक्चर में पावर सीरीज मेथड का यूज़ करके जो है निकालूंगा. तो यहाँ पर देखिए जो y का सीरीज सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उसको हम असेंडिंग पावर ऑफ x या फिर डिसेंडिंग पावर ऑफ x के टर्म में भी लिख सकते हैं. तो हम जिस मेथड का यूज़ करेंगे वो क्या होगा, डिसेंडिंग पावर ऑफ x का पावर सीरीज मेथड होगा, क्योंकि डिसेंडिंग पावर ऑफ x का जो यूज़ होता है वो थ्योरेटिकल फिजिक्स में जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि यहाँ जो इसका वाई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स के टर्म में मैं लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा ये वाई इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एम प्लस ए वन एक्स टू द पावर एम माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एम माइनस टू प्लस डैश डैश डैश. ठीक है, तो यहाँ पर ये सब क्या होते हैं, ठीक है, ये ए नॉट ए वन ए टू ये सब क्या हैं, जो सीरीज है, ठीक है, उसके जो है कोफिशियंट्स हैं. ठीक है, और यहाँ पर जो टर्म गया है एक्स का, ठीक है, वो क्या गया है, देखिए डिसेंडिंग पावर में गया है एम ए माइनस वन ए माइनस टू. तो यहाँ पर देखिए यदि एक्स टू द पावर एम को मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, अंदर में ए नॉट प्लस ए वन एक्स टू द पावर माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट. ठीक है, तो ये कहाँ से जाएगा, यहाँ से ए टू एक्स टू द पावर माइनस टू से ए आर एक्स टू द पावर माइनस आर तक जाएगा. ठीक है, ये ए आर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आर, ठीक है, एक्स टू द पावर एम माइनस आर. तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये कहाँ से जाएगा, फिर प्लस कहाँ से जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा. तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 to infinity ए आर एक्स टू द पावर एम माइनस आर. ठीक है, जहाँ पर r का लिमिट क्या दिया है, यहाँ 0, 1, 2 से लेकर कहाँ तक जाएगा, वो इन्फिनिटी तक जाएगा. ठीक है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में, ये वाला. अब देखिए मुझे इसका जो है सॉल्यूशन निकालना है, तो इसके लिए मुझे y चाहिए, dy/dx चाहिए, d2y/dx² चाहिए. तो y तो है, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, dy/dx d2y/dx² निकाल सकता हूँ. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू इतना है तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन r फ्रॉम 0 to infinity ए आर एम माइनस आर एक्स टू द पावर एम माइनस आर माइनस वन हो जाएगा. ठीक है, इसका क्या किया हूँ, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया हूँ. ठीक है, एक बार अब इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, फिर से ए आर एम माइनस आर एम माइनस आर माइनस वन एक्स टू द पावर एम माइनस आर माइनस टू, ये मिल जाएगा. ठीक है, तो मुझे मिल गया वाई डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का वैल्यू. अब मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन वन है उसमें क्या करूँगा, मैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दूँगा. तो यहाँ पर देखिए यदि मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो सबसे पहले 1 - x², अब वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, dy/dy² के वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 1 - x², और इसका वैल्यू इतना मैं पुट कर दूँगा तो ये मैं पुट कर दिया इतना. ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास, -2x है, देखिए. ठीक है, तो -2x के बाद dy/dx तो ये
माइनस टू एक्स के बाद डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मैं रख दिया, ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इतना मैं रख दिया। उसके बाद क्या है, प्लस एन इंटू एन प्लस वन वाई, तो प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू वाई, वाई की जगह पर मैं ये रख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि पेज जब मैं उधर निकालूँ तो इसको मैं यूज़ कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी में, सभी टर्म में क्या है, समीशन आर फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए आर जो है कॉमन निकलेगा सभी में, तो ये समीशन आर फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए आर मैं क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, एम माइनस आर, एम माइनस आर माइनस वन ये बचेगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई यदि मैं यहाँ वन से करूँ, ठीक है, अंदर में इस ये क्या दिया है, मल्टीप्लाई में दिया है, ठीक है, तो एम माइनस आर माइनस वन का मल्टीप्लाई, ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर एम माइनस आर माइनस टू का वन से करूँ तो इतना ही मिलेगा, तो ये पहले इतना मुझे मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर से माइनस एक्स स्क्वेयर से करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर फिर से इतना, ठीक है, ये जो दिया है इतना उतना ये, उसके बाद माइनस टू एक्स, ठीक है, ये तो बाहर निकल गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आर एक्स टू दी पावर एम माइनस आर माइनस वन, ठीक है, प्लस एन इंटू एन प्लस वन एक्स टू दी पावर एम माइनस आर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मैं लिख दिया इसको, ठीक है, यहाँ पर इसको लिख दिया। अब देखते हैं आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से ये जो दिया है ये क्या हो जाएगा, ये तो इतना ही रहेगा, समीशन आर फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए आर क्या बचेगा, एम माइनस आर माइनस वन एक्स टू दी पावर एम माइनस आर माइनस टू, माइनस माइनस यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वेयर है और यहाँ पर एक्स टू दी पावर माइनस टू है, तो इसका जब एक्स का जो घात दो है और इसका माइनस दो है तो घात जो है जुड़ेगा, तो ये टू माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, एक्स टू दी पावर एम माइनस आर ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये और ये कैंसिल हो गया, एक्स टू दी पावर माइनस टू, ठीक, तो क्या बचा, एम माइनस आर माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर एम माइनस आर, ठीक है। सेम यहाँ पर ये होगा, एक्स का पावर क्या है, यहाँ पर वन है देखिए, और यहाँ पर एक्स टू दी पावर माइनस वन है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस टू इंटू एम माइनस आर एक्स टू दी पावर एम माइनस आर, ठीक है, प्लस क्या बचेगा यहाँ पर फिर से एन इंटू एन प्लस वन एक्स टू दी पावर एम माइनस आर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब देखिए फिर से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर समीशन आर फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ये क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा इतना, प्लस अब यहाँ पर देखिए एन इंटू एन प्लस वन ये हो गया। अब यहाँ पर जो ये दिया है, ठीक है, माइनस एम माइनस आर का यदि मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, अंदर इसका यदि मैं गुणा करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एम माइनस आर मिलेगा, यहाँ पर माइनस का इससे करूँगा तो यहाँ पर मिलेगा मुझे एम माइनस वन, ये सॉरी एम माइनस आर वाला ये प्लस में मिलेगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, देखिए माइनस टू एम माइनस आर है, तो माइनस टू एम माइनस आर में से प्लस एम माइनस आर जाएगा, तो ये माइनस एम माइनस आर बचेगा, ठीक है। तो ये मैं लिख दिया एन इंटू एन प्लस वन माइनस एम माइनस आर, ठीक है, माइनस क्या बचेगा फिर से एम माइनस आर इंटू इतने का मल्टीप्लाई बचा है ये, ठीक है, तो एम माइनस आर इंटू एम माइनस आर इतना बच गया, ठीक है, ये वाला इंटू एक्स टू द पावर एम माइनस आर आर इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पर फिर से एम माइनस आर माइनस वन एक्स टू दी पावर ये सेम है, ठीक है, प्लस यहाँ पर फिर से देखिए एम माइनस आर इसमें भी है, एम माइनस आर इसमें भी है, तो ये कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस माइनस एम माइनस आर कॉमन निकाल रहा हूँ तो माइनस एम माइनस आर यहाँ पर वन बचेगा, माइनस कॉमन निकला है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये वन प्लस क्या बचेगा एक एम माइनस आर बच जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स टू दी पावर एम माइनस आर ए आर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन थ्री इज एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब ये क्या है, जो दिया है इक्वेशन ये ट्रू है। अब ये ट्रू कब होगा, ठीक है, ये ट्रू तब होगा, ट्रू होगा मतलब इसका जो इक्वल है ये ज़ीरो होना चाहिए। अब ज़ीरो कब होगा, देखिए
यदि ये टर्म जो है क्या होगा, ज़ीरो होगा, ये टर्म ज़ीरो होगा तभी ये ज़ीरो होगा, ठीक है। मतलब इसका इक्वल यदि ज़ीरो है तो दोनों का टर्म जो है जब ज़ीरो की इक्वल होगा तभी तो ये ज़ीरो होगा, ठीक है, वरना ज़ीरो होगा नहीं। तो ये आइडेंटिटी है, ट्रू है। तो यहाँ पर जो एक्स के जितने भी कोफिशियंट्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, ज़ीरो के इक्वल होंगे। मतलब इसको ज़ीरो रखूँगा, इसको ज़ीरो रखूँगा, तब क्या होगा, मुझे ये ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग टू ज़ीरो द कोफिशियंट्स ऑफ एक्स टू द पावर एम, दैट मीन्स बाई पुटिंग आर इक्वल टू ज़ीरो इन द सेकेंड समेशन। अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो एक्स कोफिशियंट्स हैं मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। ये जो है एक्स टू द पावर एम चाहिए, एक्स टू द पावर एम माइनस वन, ये ठीक है, ये टर्म चाहिए, तभी ये मेरा सीरीज सॉल्यूशन जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एक्स टू द पावर एम निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स टू द पावर एम मुझे कब मिलेगा, देखिए यदि आर इक्वल टू इसमें ज़ीरो रख दूँ तब मुझे क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर एम मिलेगा, ठीक है, इसका हाइएस्ट पावर। इसमें क्या रख दूँ, आर इक्वल टू, यदि मैं यहाँ माइनस आर दिया है इसको प्लस टू रख दूँ, ठीक है, मतलब इसको मैं प्लस टू रखूँगा तभी ये माइनस टू से कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स टू द पावर एम हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो आर है वो क्या है, अलवेज निगेटिव है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। आर जो होगा यहाँ पर एम माइनस वन, ठीक है, आर जो दिया है मेरे पास ये क्या है, ये आर है एम माइनस आर, ठीक है, आर का वैल्यू है माइनस वन, माइनस टू, माइनस आर, ये जो है अलवेज निगेटिव है। तो मैं यहाँ पर जो है इसको पॉजिटिव नहीं ले सकता, माइनस आर को मैं प्लस आर नहीं ले सकता, ठीक है। इसी कारण इस टर्म में जो है मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं केवल इसके दूसरे जो टर्म है इसी से जो है वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि आर क्या है, अलवेज निगेटिव है, ठीक है। तो एक्स टू द पावर एम चाहिए तो मैं इसमें क्या करूँगा, ठीक है, जो सेकंड टर्म है इसमें क्या करूँगा, आर इक्वल टू ज़ीरो रख दूँगा। तो आर इक्वल टू जब ज़ीरो मैं रखूँगा तो देखिए ये ए आर का मल्टीप्लाई इससे है तो क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इंटू एन इंटू एन प्लस वन माइनस ये ज़ीरो तो माइनस एम बचेगा और ये ज़ीरो तो एम प्लस वन बचेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एम एम प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए बट ए नॉट इज इक्वल नॉट ज़ीरो एज इट इज़ द कोफिशियंट्स ऑफ द फर्स्ट टर्म इन द सीरीज। अब देखिए यहाँ पर जो ए नॉट है ये ज़ीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, सीरीज का जो है पहला टर्म है, ठीक है, तो ये ज़ीरो हो नहीं सकता। मतलब क्या होगा, ये ज़ीरो होगा तभी तो ये ज़ीरो होगा, ठीक है। अब ए नॉट ज़ीरो नहीं है और इसका वैल्यू जो है मुझे ज़ीरो मिल रहा है, इस पूरे का वैल्यू, तो जाहिर है ये क्या होगा, ज़ीरो होगा तभी ये पूरा जो है ज़ीरो होगा, ठीक है। अब ये ज़ीरो नहीं है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दूँगा, ठीक है। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर क्या मिलेगा, इतना मिलेगा ये ज़ीरो, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एम स्क्वायर माइनस एम इक्वल टू ज़ीरो, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को मैं एक साथ ले लेता हूँ प्लस एन माइनस एम इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एन माइनस एम एन प्लस एम प्लस एन माइनस एम इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए एन माइनस एम एन प्लस एम प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर से क्या करूँगा, मैं एन माइनस एम बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, अंदर में एन प्लस एम प्लस वन बचेगा, ठीक है, ये एन माइनस एम बाहर तो एन प्लस एम यहाँ वन बचेगा, तो ये मुझे मिल गया एन माइनस एम एन प्लस एम प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ द आइडेंटिकल इक्वेशन, ठीक है, विच गिव्स। अब इसमें फिर से क्या होगा, ये जो है ज़ीरो होगा तो दोनों जब क्या होंगे, ज़ीरो के बराबर होंगे अलग अलग तभी ये ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो एन माइनस एम इक्वल टू मैं ज़ीरो रखूँगा सबसे पहले, तो एन माइनस एम इक्वल टू ज़ीरो एंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन प्लस एम प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो एम इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो एम इक्वल टू एन और एम इक्वल टू फिर से माइनस एन प्लस वन या माइनस एन माइनस वन, ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्स टू द पावर एम का वैल्यू जो है निकाल लिया, अब मुझे चाहिए एक्स टू द पावर एम माइनस वन ये वाला। तो नेक्स्ट इक्वेटिंग टू ज़ीरो द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स टू द पावर एम माइनस वन, फिर से क्या करूँगा,
एक्स माइनस वन का जो कॉफिशियंट्स है उसको जीरो के इक्वल लूँगा, ठीक है, आइडेंटिटी इक्वेशन है वो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, एक्स टू द पावर, ठीक है, यहाँ पर एम माइनस वन रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एम माइनस आ दिया है ये वाला, फिर से इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, इसको जो है एम माइनस वन चाहिए मुझे, ठीक है, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो फिर से मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसी का फिर से यूज़ करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू मैं वन रखूँगा तो इसमें मिल जाएगा मुझे एम माइनस वन। ठीक, यहाँ पर देखिए यदि मैं आर इक्वल टू वन रखूँ, ठीक है, यदि इस इक्वेशन में मैं आर इक्वल टू यदि वन रखूँ तो ये ए वन हो जाएगा, ठीक है, ए वन इंटू ए एन इंटू एन प्लस वन माइनस एम माइनस वन, वन प्लस एम माइनस वन हो जाएगी, ठीक है, तो इसको मैं रख देता हूँ, ठीक है, जीरो के इक्वल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर ए माइनस वन का कॉफिशियंट क्या हो जाएगी, ये ए वन एन इंटू एन प्लस वन माइनस एम माइनस आ था तो एम माइनस वन, ठीक है, एम माइनस आ था तो फिर से एम माइनस वन प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए एम हो जाएगा, ये कट जाएगा माइनस वन प्लस वन, ठीक है, तो क्या बचेगा, ए वन एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, ये माइनस फिर से यहाँ एम बचा है बस, तो एम का मल्टीप्लाई एम से तो माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एम का मल्टीप्लाई वन से प्लस वन से तो ये प्लस एम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए वन इक्वल टू फिर से इसको मैं लिख सकता हूँ एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, इसको प्लस एन प्लस एम इक्वल टू ज़ीरो, फिर से इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन माइनस एम एन प्लस एम प्लस एन प्लस एम इक्वल टू जीरो। अब एन प्लस एम दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लूँगा, तो क्या बचेगा, ए वन इंटू एन प्लस एम, ठीक है, अंदर में क्या बचेगा, एन माइनस एम बचेगा ये, और यहाँ प्लस वन बचेगा, एन प्लस वन कॉमन निकला है तो ये एन माइनस एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसका वैल्यू जो है ज़ीरो मिल रहा है मुझे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए वन जो है वो होगा, ठीक है, वो ज़ीरो होगा, क्योंकि एन प्लस एम इंटू एन माइनस एम प्लस वन, इसको हम कितना भी सॉल्व करें, ये जो सॉल्व कर लें, ये क्या होगा, ये जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो जाहिर सी बात है ए वन क्या होगा, ज़ीरो होगा, तभी तो ये पूरा ज़ीरो होगा, ठीक है, तो ए वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फिर से यहाँ पर देखिए एम माइनस टू निकालूँगा इसी तरह से, और ये जाते जाते जाएगा एक्स टू द पावर एम माइनस आर, ठीक है, तो एम माइनस आर भी मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे पूरा सीरीज़ जो है निकालना है, तो यहाँ पर पूरा सीरीज़ का वैल्यू यहाँ पर दिया है एक्स टू द पावर एम माइनस आर माइनस टू, तो एम माइनस आर निकालने के बाद माइनस एक्स टू द पावर एम माइनस आर माइनस टू मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या निकाल रहा हूँ अब, एक्स टू द पावर एम माइनस आर माइनस टू, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इस पूरे जो इक्वेशन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन मुझे मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब इसके कॉफिशियंट्स का सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कि अगेन टू फाइंड अ रिलेशन सक्सेसिव कॉफिशियंट्स ए आर एक्सेट्रा इक्वेटिंग द कॉफिशियंट्स एक्स टू द पावर एम माइनस आर माइनस टू टू ज़ीरो, ठीक है, दैट मीन्स अब यहाँ पर देखिए मुझे क्या निकालना है, एक्स टू द पावर एम माइनस आर माइनस टू के कॉफिशियंट्स को जो है चाहिए, ठीक है, तो इसमें तो ये दिया है तो इतने को मैं ज़ीरो कर सकता हूँ। अब इसको मुझे क्या करना है, ये दिया है एक्स टू द पावर एम माइनस आर दिया है, तो इसको भी मुझे क्या करना है, एक्स टू द पावर एम माइनस आर माइनस टू करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आर इक्वल टू मैं रख दूँगा आर प्लस टू रख दूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू यदि मैं रखूँ आर प्लस टू तो माइनस कोष्टक में आर प्लस टू क्या हो जाएगा, एम माइनस आर माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, मतलब इस टर्म में मुझे क्या रखना पड़ेगा, आर की जगह पर आर प्लस टू रखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें तो सेम रखना पड़ेगा क्योंकि मैं एक्स टू द पावर एम माइनस आर माइनस टू का ही कॉफिशियंट्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये सेम रहेगा एम माइनस आर एम माइनस आर माइनस वन ए आर, ठीक है, एम माइनस आर माइनस वन इसका कॉफिशियंट है, ठीक है, तो ए आर ये आर में ही आ रहा है, लेकिन इसको एक्स टू द पावर एम माइनस आर माइनस टू बनाने के लिए मुझे आर इक्वल टू आर प्लस टू रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर एन इंटू एन प्लस वन माइनस, ठीक है, एम माइनस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आर की जगह पर, ठीक है, आर प्लस टू रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस आर माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए ये एम माइनस आर माइनस टू, ठीक है, यहाँ पर मैं रख दिया, सेम यही है ये वाला, ठीक है,
फिर से क्या हो जाएगा, वन प्लस एम माइनस आर दिया है तो माइनस आर माइनस टू हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख दिया हूँ, एक साथ लिख दिया हूँ, देखिए एम माइनस आर माइनस टू प्लस वन, ठीक है, एम माइनस आर माइनस टू प्लस वन, ठीक है। और ये क्या हो गया है, ए आर प्लस टू हो गया है ए आर की जगह पर, क्योंकि आर इक्वल टू मैं क्या रखा हूँ, आर प्लस टू रखा हूँ। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, फिर से ये मुझे मिल गया इतना, आर की जगह पर आर प्लस टू रखा, और यहाँ पर क्यों, क्योंकि मुझे एक्स टू द पावर माइनस आर माइनस टू का कॉफिशियंट चाहिए, तो इसको जो है कॉफिशियंट को जीरो के इक्वल रखूँगा, ठीक है, तो इक्वल टू जीरो मैं रख दिया। अब मुझे इसको जो है सॉल्व करना है, तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया है, ठीक है, इसको ईजी इसका फॉर्म रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एम माइनस आर माइनस वन लिख सकता हूँ माइनस टू को, ठीक है, और ये एम माइनस आर माइनस वन। अब देखिए यहाँ से एम माइनस आर माइनस वन कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल गया, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो एम माइनस आर माइनस वन पूरे के स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस वन, और वन का मल्टीप्लाई फिर से इससे, तो क्या हो जाएगा, एम माइनस आर माइनस वन ये हो जाएगा, ठीक है। एम माइनस आर माइनस वन का पहले एम माइनस आर माइनस वन से तो उसका स्क्वायर, और एम माइनस आर माइनस वन का वन से जो कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस इतना हो जाएगा फिर से, ठीक है। फिर से माइनस यदि कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकलेगा, तो एम माइनस आर माइनस वन पूरे की स्क्वायर, माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकला है तो एम माइनस आर माइनस वन, और ये माइनस एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एम माइनस आर माइनस वन जो है ये मैं फिर से इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ इसमें से, तो क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर देखिए ये जो एम माइनस आर माइनस वन पूरे के स्क्वायर है, और ये भी क्या है, माइनस एन स्क्वायर है, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको जो है मैं फिर से, ठीक है, एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको बी, तो क्या हो जाएगा, ये फिर से ए माइनस बी होगा पहले, ठीक है, तो ए प्लस बी पहले ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एम माइनस आर माइनस वन प्लस बी का वैल्यू एन है तो प्लस एन, ठीक, फिर से एम माइनस आर माइनस वन, फिर से बी का वैल्यू क्या है, एन है तो माइनस एन, मतलब ए माइनस सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, इस टर्म में इसको तोड़ा हूँ, माइनस क्या बचेगा, फिर से यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास एम माइनस आर माइनस वन, और ये ठीक है, ये क्या हो गया है मेरे पास, माइनस कॉमन निकला है यहाँ पर देखिए, तो ये जो माइनस है वो प्लस हो गया है, प्लस एन, ठीक है, माइनस एम माइनस आर माइनस वन, और ये माइनस कॉमन बाहर निकले तो प्लस एन, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, फिर से माइनस, ठीक है, एम माइनस आर प्लस एन माइनस वन, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर ये कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, m माइनस आर माइनस वन प्लस एन, तो अंदर में क्या बचेगा, फिर से m माइनस आर माइनस वन माइनस एन, और यहाँ माइनस वन बचेगा, तो माइनस वन, और ये माइनस वन माइनस टू हो गया है, m माइनस आर माइनस एन माइनस वन, और यहाँ माइनस वन क्या हो गया है, माइनस टू हो गया है, मतलब इसको, ठीक है, इसको कॉमन निकाला हूँ, तो यहाँ वन बचेगा, तो m माइनस आर माइनस वन माइनस एन, और यहाँ माइनस वन, तो m माइनस आर माइनस एन माइनस टू ये हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए इसके जगह पर जो यहाँ पर है ये मैं ये रख सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, एम माइनस आर एम माइनस आर माइनस वन इंटू ए आर, और ये प्लस है तो ये माइनस है तो माइनस, ठीक है, इतना ये हो जाएगा, और इंटू ए आर प्लस टू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे, ठीक है, ये वैल्यू मैं रख दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सेम ही है ये, इतना सेम ही है, और इसके जगह पर इतना को मैं पुट कर दिया हूँ, ठीक है, इंटू ए आर प्लस वन इंटू ए आर प्लस टू, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए फिर से ए आर प्लस टू का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, ए आर प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाए, ये इधर जाएगा तो प्लस हो गया, और ए आर प्लस टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये फिर से नीचे आ जाएगा ये इसके, तो क्या हो जाएगा, ए आर प्लस टू इक्वल टू एम माइनस आर इंटू एम माइनस आर माइनस वन अपॉन एम माइनस आर प्लस एन माइनस वन एम माइनस आर माइनस एन माइनस टू इंटू ए आर, ये ए आर है, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया जो वहाँ पर कॉफिशियंट्स हमने लिए हैं, ठीक है, जो सीरीज सॉल्यूशन वाला है ये जो हमारे पास था,
ठीक है, ये वाला इसमें ये जो ए नॉट ए वन ए टू इसका वैल्यू है यही से हमें मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि ए वन इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है, हमने निकाला है, ठीक है। ये यहाँ पर ए वन इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या इम्प्लाई करता है, यदि मैं यहाँ पर आर की जगह पर यदि मैं वन रखूँ, ठीक है, यदि मैं वन रखूँ तो आर की जगह पर वन रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए थ्री हो जाएगा, ये ए वन हो जाएगा। तो ए वन का वैल्यू तो ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो मतलब ये पूरा ज़ीरो, और यहाँ पर वन रखा तो ए थ्री ज़ीरो हो गया, ठीक है। वह ए वन का वैल्यू ज़ीरो है तो ए थ्री का वैल्यू भी ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। अब यदि यहाँ पर मैं क्या रखूँ, देखिए यदि मैं थ्री रखूँ, ए थ्री रखूँगा यहाँ पर आर की जगह पर, यदि मैं क्या रखूँ थ्री रखूँ तो ये ए थ्री हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा, ए फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो ए थ्री का वैल्यू तो फिर से ज़ीरो है क्योंकि ए वन का वैल्यू ज़ीरो है, तो ए थ्री का वैल्यू ज़ीरो आ रहा है। अब ए थ्री का वैल्यू ज़ीरो है तो ये फिर से ज़ीरो, और ये किसका वैल्यू हो गया है यहाँ पर थ्री है तो ए फाइव हो गया है, मतलब ए वन का वैल्यू ज़ीरो है, इस कारण यहाँ पर क्या हो गया है, ए थ्री ए फाइव ए सेवन सभी का वैल्यू जो है ज़ीरो मिल रहा है। मतलब यहाँ जो ठीक है विषम संख्या में मुझे मिल रहा है ए का वैल्यू वो सब क्या है, ज़ीरो मिल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ऑल द कोएफिशिएंट्स इज हैविंग ऑड सफिक्सेस आर ज़ीरो, जो ऑड सफिक्सेस वाले जो ए के वैल्यू हैं वो क्या मिलता है मुझे, ज़ीरो मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केस फर्स्ट, अब यहाँ पर देखिए मैंने एम का वैल्यू जो है निकाला था यहाँ से, ठीक है, इधर हमने निकाला था एम का वैल्यू, ये एम इक्वल टू एन और एम इक्वल टू माइनस एन प्लस वन। तो यहाँ पर जो वाई का सॉल्यूशन होगा, ये एक तो एम इक्वल टू एन के लिए निकालना पड़ेगा और एक तो एम इक्वल टू माइनस एन प्लस वन के लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके दो सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं केस फर्स्ट एम इक्वल टू एन के लिए। अब देखिए केस फर्स्ट में यदि मैं एम इक्वल टू एन रखूँ तो फ्रॉम इक्वेशन सेवन से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो दिया है, ठीक है, इसमें m इक्वल टू यदि मैं क्या रखूँ, n रखूँ तो ये हो जाएगा ए आर प्लस टू इक्वल टू एन माइनस आर, एन माइनस आर माइनस वन, ये हो जाएगा अपॉन n माइनस आर प्लस एन माइनस वन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, n माइनस आर माइनस एन माइनस टू इंटू ए आर, ठीक है। अब देखिए फिर से n माइनस आर, एन माइनस आर माइनस वन, ये अपॉन ये एन प्लस एन टू एन हो जाएगा, टू एन माइनस आर माइनस वन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एन माइनस एन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस आर माइनस टू। तो मुझे ये मिल गया वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि मुझे जो ए का है, ठीक है, ए का जो कोफिशियंट दिया है यहाँ पर, उसका जो ऑड सफिक्सेस वाला वैल्यू है वो तो ज़ीरो मिल गया है, मुझे क्या चाहिए, इवन वाला चाहिए। तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ ए आर प्लस टू है यहाँ पर, आर इक्वल टू ज़ीरो रखूँ तो ए टू का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ए टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर आर इक्वल टू ज़ीरो रखूँ तो एन, और ये ज़ीरो तो एन माइनस वन, तो एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है, अपॉन आर इक्वल टू ज़ीरो तो टू एन माइनस वन, और यहाँ पर ज़ीरो तो माइनस टू, तो माइनस टू है तो माइनस बाहर आ गया है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। यहाँ क्या बचा, फिर से एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन, ये ज़ीरो हो गया है, ठीक, और ये टू बचा, माइनस बाहर आ गया, ठीक है। इंटू यहाँ पर क्या है, ए आर है तो आर इक्वल टू ज़ीरो तक कहूँ तो एन आउट हो गया है ये, ठीक है। ये अब आर इक्वल टू यदि मैं टू रखूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने इवन का वैल्यू जो है निकाल लिया ये वाला, अब मुझे चाहिए, सॉरी, ऑड का मैंने निकाल लिया, मुझे चाहिए इवन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू यदि मैं टू रखूँ यहाँ पर, इफ़ आर इक्वल टू टू तो ए फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से देखिए टू रखो तो एन माइनस टू, एन माइनस टू माइनस वन, मतलब एन माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से ये टू एन माइनस टू माइनस वन तो टू एन माइनस थ्री, फिर से माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर हो जाएगा, तो फोर फिर से आ गया और ये माइनस बाहर निकल गया, ठीक है। इंटू यहाँ पर देखिए ए टू रखूँगा, आर इक्वल टू मैं क्या रखा हूँ टू, तो आर इक्वल टू टू तो ए टू हो जाएगा। अब ए टू का वैल्यू मेरे पास ये है, ठीक है, तो ए टू का वैल्यू मैं ये रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है,
ये मैं रख दिया ए टू का वैल्यू, तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अपॉन क्या बचेगा टू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस थ्री टू इंटू फोर, ये बचेगा। ठीक है, ए फोर का वैल्यू मुझे क्या मिला, ठीक है पॉजिटिव मिला, ए टू का वैल्यू मुझे निगेटिव मिला। ठीक है, एंड सो ऑन एंड ए वन इक्वल टू ए थ्री इक्वल टू ए फाइव इक्वल टू, ठीक है अप टू जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका इवन और ऑड दोनों का वैल्यू जो है निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो ये इक्वेशन था, ठीक है इसमें ए नॉट ए वन ए टू से लेकर जितना निकालूंगा यार टर्म में उस तक जो है वैल्यू रखूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नाउ वी हैव फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू से हमारे पास यहाँ से ये था ये वाला, ठीक है एक्स टू द पावर एम मैं कॉमन निकाला था तो इतना बचा था ये, तो ये यही आ गया। ठीक, अब पुटिंग एबो वैल्यूज व्हेन एम इक्वल टू एन, ये पहले केस के लिए है जब क्या है एम इक्वल टू एन है। ठीक है, तो वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे ए नॉट, अब एम इक्वल टू एन के लिए तो एम की जगह पर मैं क्या रखूँगा एन रखूँगा तो एक्स टू द पावर एन हो जाएगा। ठीक है, प्लस जीरो हो जाएगा, ए वन का वैल्यू क्या है जीरो है तो ये जीरो, फिर से प्लस ए टू, ए टू का वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर देखिए ये माइनस के फॉर्म में है माइनस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन इंटू टू ए नॉट है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये जो प्लस था वो क्या होगा माइनस एन इंटू एन माइनस वन ए नॉट अपॉन टू एन माइनस वन इंटू टू, और क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर एम का वैल्यू क्या है एन है तो एक्स टू द पावर एन माइनस टू। ठीक है, फिर से प्लस इधर क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पर आगे आता ए थ्री एक्स टू द पावर माइनस थ्री आता, फिर प्लस ए फोर एक्स टू द पावर माइनस फोर। ठीक है, ये ए माइनस थ्री ए माइनस फोर आता ये, तो यहाँ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ए थ्री फिर से जीरो हो जाएगा तो वो ज़ीरो, फिर से प्लस ए फोर का वैल्यू मैं फिर से निकाला हूँ ये है ए फोर का वैल्यू। ठीक है, और एक्स टू द पावर एम के जगह पर एन एन माइनस फोर। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं रख सकता हूँ, फिर से माइनस में आएगा अगला टर्म। अब देखिए सभी में ए नॉट ए नॉट ए नॉट कॉमन निकलेगा तो ए नॉट मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन इंटू टू, ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस टू ये। ठीक है, ए नॉट कॉमन निकल गया और इसी तरह ए नॉट इसमें से कॉमन निकलेगा तो एक्स टू द पावर एन माइनस फोर, ये इतना बच जाएगा माइनस। ठीक है, आज तक जाएगा। विच इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, हमारे पास जो ये इक्वेशन वन था, ठीक है ये वाला, इसी का क्या है ये सॉल्यूशन है कब, व्हेन एम इक्वल टू एन। अब दूसरा केस देखेंगे, हमारे पास एक केस और है एम इक्वल टू माइनस एन प्लस वन है या फिर माइनस एन माइनस वन है। ठीक है, तब के केस के लिए हम देखेंगे फिर से। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर व्हेन एम इक्वल टू माइनस एन प्लस वन या फिर माइनस एन माइनस वन, तब क्या हो जाएगा ए आर प्लस टू का वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, हमने निकाला है वो वाला, तो इसमें मैं क्या रखूँगा, अब एम के जगह पर माइनस माइनस एन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस एन माइनस वन, ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर एम की जगह पर मैं रख दिया माइनस एन माइनस वन, ठीक माइनस आर इंटू क्या हो जाएगा एम की जगह पर फिर से माइनस एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन। ठीक है, अपॉन फिर से एम के जगह पर क्या हो जाएगा माइनस एन माइनस वन माइनस आर प्लस एन माइनस वन, और फिर से एम के जगह माइनस एन माइनस वन माइनस आर माइनस एन माइनस टू ए आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस सभी में से यदि मैं कॉमन निकालूँ माइनस, तो ये इसका माइनस प्लस हो जाएगा फिर से, और क्या बचेगा एन प्लस आर प्लस वन लिख सकता हूँ, फिर से इसको मैं एन, ये माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा तो कॉमन निकलेगा माइनस, तो एन प्लस आर प्लस टू, मतलब इसका माइनस कॉमन निकलेगा और माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, सेम ये प्लस एन माइनस एन कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस आर माइनस टू बचेगा ये वाला। ठीक है, और फिर से ये माइनस एन माइनस टू एन हो जाएगा माइनस आर और माइनस थ्री इंटू ए आर, तो ए आर प्लस टू का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर फिर से माइनस जो है निकलेगा, देखिए सभी में से, तो इसका माइनस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो फिर से क्या बचेगा, ये तो सेम रहेगा ऊपर वाला, ये क्या हो जाएगा आर प्लस टू, टू एन प्लस आर प्लस थ्री इंटू ए आर। ठीक है, तो केस टू में हमने ए आर प्लस टू का वैल्यू इतना जो है निकाल लिया। देखिए ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आर प्लस टू का वैल्यू मुझे मिल गया। अब एम के दूसरे वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर ए आर प्लस टू में यदि आर का वैल्यू यदि मैं ज़ीरो रखूँ, ठीक है, आर का वैल्यू यदि ज़ीरो रखूँ तो क्या हो जाएगा, ए टू इक्वल टू, अब ये ज़ीरो तो एन प्लस वन, ये ज़ीरो तो एन प्लस टू अपॉन, ये ज़ीरो तो टू और ये टू एन प्लस थ्री, ठीक है, इंटू आर का वैल्यू ज़ीरो है तो क्या हो गया ए नॉट। ठीक है, फिर से आर इक्वल टू यदि मैं टू रखूँ तो क्या हो जाएगा, ए फोर मिलेगा मुझे। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा टू तो एन प्लस थ्री और ये एन प्लस फोर अपॉन टू प्लस टू फोर और ये टू एन प्लस फाइव इंटू ए टू। ए टू का वैल्यू मैं पुट कर दूँ जो कि इतना है तो ये फिर से क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, ये ए फोर इक्वल टू एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस फोर अपॉन टू इंटू फोर और ये टू एन प्लस थ्री इंटू टू एन प्लस फाइव ए नॉट एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, m इक्वल टू माइनस एन माइनस वन के लिए। ठीक है, जो मेरे पास सीरीज सॉल्यूशन है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है इसमें क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ, ये मैं लिख दिया हूँ ये वाला इक्वेशन एट से, फिर से इसमें फिर से पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, वेन m इक्वल टू माइनस एन प्लस वन है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ए नॉट का ए नॉट एक से टू द पावर m की जगह, एम की जगह पर मैं क्या रखूँगा, माइनस इंटू एन प्लस वन, ये प्लस फिर से वन का वैल्यू फिर से ज़ीरो, प्लस फिर से ए टू का वैल्यू क्या है मेरे पास, ए टू का वैल्यू मेरे पास देखिए ये है, तो ये मैं रख देता हूँ यहाँ पर, ए टू का वैल्यू इतना रख दिया ये वाला उठाकर यहाँ पर, इंटू एक्स टू द पावर फिर से क्या हो जाएगा, ये एम की जगह पर मैं क्या रखूँगा, ये एम की जगह पर फिर से माइनस एन माइनस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एन माइनस थ्री हो जाएगा, तो माइनस बाहर निकालूंगा तो माइनस एन प्लस थ्री। ठीक, प्लस इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स टू द पावर, ठीक है, माइनस एन प्लस फाइव, इसके लिए भी निकाल सकता हूँ ये। ठीक है, यहाँ पर ये है, ये वाला वैल्यू मैं रख दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा। फिर से ए नॉट सभी में है, देखिए ए नॉट तो कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन टू इंटू टू एन प्लस थ्री, एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस थ्री, ये हो जाएगा, ये सेम इस तरह से बढ़ेगा। दिस गिव्स अनदर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इन अ सीरीज ऑफ डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स। तो हमारे पास देखिए ये जो लीजेंड्रे का डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखा था, ठीक है, ये जो इसका हमें दो सॉल्यूशन मिला है, ठीक है, एक क्या है m इक्वल टू एन के लिए है एक, ठीक, ये हमारे पास m इक्वल टू एन के लिए ये पहला है, और m इक्वल टू माइनस कोष्टक में n प्लस वन के लिए क्या है, ये दूसरा है। ठीक है, तो इसके ये दो सॉल्यूशन हैं, तो आगे के लेक्चर में हम लीजेंड्रे जो पॉलिनोमियल होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर इसका जो है जनरल जो सॉल्यूशन होता है उसको हम निकालेंगे। ठीक है, हम पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।